शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी यानी तालूत की बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। गरज जब तालूत फौजें लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा कि अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा उसकी निस्बत तसव्वुर किया जाएगा कि वो मेरा नहीं, और जो न पिएगा वो समझा जाएगा कि मेरा है। हां अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले तो खैर। जब वो लोग नहर पर पहुंचे तो चंद आदमियों के सिवा सबने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे नहर के पार हो गए तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले में आए तो अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफार पर फतेह याब कर। तो तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको शिकस्त दे दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जो कुछ चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से न हटाता रहता तो कुरए अर्ज तबाह हो जाता, लेकिन अल्लाह अहले आलम पर बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तुम बिला शुबा पैगंबरों में से हो। ये पैगंबर जो हम वक्तन फवक्तन भेजते रहे हैं इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है, बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की और बाज के दूसरे उमूर में मर्तबे बुलंद किए। और ईसा इब्ने मरियम को हमने खुली हुई निशानियां अता की और रूहुल कुदस से उनको मदद दी। और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में न लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से बास तो ईमान ले आए और बास काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बाहम जंगो किताल न करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ ईमान वालो जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस दिन के आने से पहले पहले खर्च कर लो जिसमें ना आमाल का सौदा हो और ना दोस्ती और सिफारिश हो सके। और कुफ्र करने वाले लोग जालिम हैं। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है सबको थामने वाला, उसे न ऊंग आती है न नींद, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हां जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो शख्स बुतों से एतिकाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनता है सब कुछ जानता है। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है, कि अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोजख हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूं। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। यह सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया और अल्लाह
बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता? या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा, फिर उसको जिला उठाया और पूछा, तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो? उसने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 बरस मरे रहे हो, और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से यह है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं। और हां, गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त पोस्त चढ़ाए देते हैं। जब ये वाकयात उसके मुशाहदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहिम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने इस बात का यकीन नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूं कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने से हिला लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100-100 दाने हों। और अल्लाह जिसके अजर को चाहता है और ज्यादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में सर्व करते हैं, फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है, और कयामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। जिस खैरात के देने के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए, उससे तो नर्म बात कह देनी और दरगुजर करना बेहतर है। और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। मोमिनों, अपने सदकात और खैरात एहसान रखने और ईजा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखता। तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर जोर का मेह बरस कर उसे साफ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने आमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे, और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हिदायत नहीं दिया करता। और जो लोग अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए और खुलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग किसी है जो ऊंची जगह पर वाकई हो, जब उस पर जोर का मेह पड़े तो दुगना फल लाए, फिर अगर मेह ना भी पड़े तो खैर फुहार ही सही, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। भला तुम में कोई यह चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके नन्ने नन्ने बच्चे भी हों, तो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगुला चले, बस वो जल जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। मोमिनों, जो पाकीजा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं, उनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो, और बुरी और नापाक चीजें देने का कस्द न करना कि अगर वो चीजें तुम्हें दी जाएं तो बजुज इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो, उनको कभी ना लो। और जान रखो कि अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसको जानता है, और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो वो भी खूब है, और अगर पोशीदा दो, और दो भी जरूरतमंदों को, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है।
और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर करेगा और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की हिदायत के जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत बख्शता है। और मोमिनों, तुम जो माल खर्च करोगे तो उसका फायदा तुम्हीं को है, और तुम तो जो खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। और हां, तुम जो खर्च करोगे तो उन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और मांगने से आर रखते हैं, यहां तक कि ना मांगने की वजह से नावाकिफ शख्स उनको तवंगर ख्याल करता है। और तुम कयाफे से उनको साफ पहचान लो कि हाजतमंद हैं, और शर्म के सबब लोगों से मुंह फोड़कर और लिपट कर नहीं मांग सकते। और तुम जो माल खर्च करोगे, कुछ शक नहीं कि अल्लाह उसको जानता है। जो लोग अपना माल रात और दिन और पोशीदा और जाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है, और उनको कयामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न गम। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास भागता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफे के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना, हालांकि सौदे को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो जो पहले हो चुका वो उसका और कयामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोजखी हैं कि हमेशा दोजख में जलते रहेंगे। अल्लाह सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता और खैरात की बरकत को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते और नमाज पढ़ते और जकात देते रहे, उनको उनके कामों का सिला अल्लाह के यहां मिलेगा, और कयामत के दिन उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। मोमिनों, अल्लाह से डरो, और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो, फिर अगर ऐसा न करोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है, जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। और अगर कर्ज लेने वाला तंग दस्त हो तो उसे कुशाइश के हासिल होने तक मोहलत दो, और अगर जर कर्ज बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, बशर्ते के समझो। और उस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे, और हर शख्स अपने आमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान न होगा। मोमिनो, जब तुम आपस में किसी मियाद मुय्यन के लिए कर्ज का मामला करने लगो तो उसको लिख लिया करो, और लिखने वाला तुम में किसी का नुकसान न करे बल्कि इंसाफ से लिखे। नीज लिखने वाला जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया है लिखने से इनकार भी न करे और दस्तावेज लिख दे, और जो शख्स कर्ज ले वही दस्तावेज का मजमून बोलकर लिखवाए, और अल्लाह से कि उसका मालिक है खौफ करे, और जर कर्ज में से कुछ कम न लिखवाए। और अगर कर्ज लेने वाला कम अक्ल या जईफ हो या मजमून लिखवाने की काबिलियत न रखता हो तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ मजमून लिखवाए, और अपने में से दो मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर दो मर्द न हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी हैं, कि अगर उनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी उसे याद दिला देगी, और जब गवाह गवाही के लिए तलब किए जाएं तो इनकार न करें। और कर्ज थोड़ा हो या बहुत, उसकी दस्तावेज के लिखने लिखाने में सुस्ती न करना, ये बात अल्लाह के नजदीक निहायत करीन इंसाफ है, और शहादत के लिए भी यह बहुत दुरुस्त तरीका है, इससे तुमको किसी तरह का शक व शुबा भी नहीं पड़ेगा। हां, अगर सौदा दस्त बदस्त हो जो तुम आपस में लेते देते हो, तो अगर ऐसे मामले के दस्तावेज न लिखो तो तुम पर कुछ गुना नहीं। और जब खरीदो फरोख्त किया करो, मसलन जमीन जायदाद की, तो भी गवाह कर लिया करो, और कातिब दस्तावेज और गवाह मामला करने वालों का किसी तरह का नुकसान न करें। अगर तुम लोग ऐसा करो तो यह तुम्हारे लिए गुनाह की बात है, और अल्लाह से डरो और देखो कि वो तुमको कैसी मुफीद बातें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बा कब्जा रखकर कर्ज ले लो,
और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे। और देखना शहादत को मत छुपाना, जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं, और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया। ऐ परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मददगार है, सो हमको काफिरों पर गालिब कर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है सबको थामने वाला। उसने ऐ नबी तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की थी। ये दो किताबें उसने पहले नाजिल की थीं लोगों की हिदायत के लिए, और फिर कुरान जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और अल्लाह जबरदस्त है बदला लेने वाला है। अल्लाह ऐसा खबीर और बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो मां के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐ पैगंबर, वही तो है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं और वही असली किताब है, और बाज दूसरी मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तबा करते हैं ताकि फितना बरपा करें और मुराद असली का पता लगाएं, हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में गहरी नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाए, ये सब आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं, और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी ना पैदा कर दीजो, और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा, तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा, बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। जो लोग काफिर हुए उस दिन न तो उनका माल ही अल्लाह के अजाब से उनको बचा सकेगा और न उनकी औलाद ही कुछ काम आएगी, और ये लोग आतशे जहन्नम का ईंधन होंगे। इनका हाल भी फिरौनियों और इनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की थी, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था, और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे, और वो बुरी जगह है। तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जो जंगे बद्र के दिन आपस में भिड़ गए कुदरत इलाही की अजीम शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था, वो उनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहा था। और अल्लाह अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बसारत हैं उनके लिए इस वाकये में बड़ी इबरत है,
लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहां बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीजा बीवियां हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमको दोजख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तिलाफ किया तो इल्म हासिल होने के बाद आपस की जिद से किया, और जो शख्स अल्लाह की आयतों को न माने तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ पैगंबर, बस अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगे तो कहना कि मैं और मेरे पैरव तो अल्लाह के फरमाबरदार हो चुके। और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी अल्लाह के फरमाबरदार बनते और इस्लाम लाते हो? बस अगर ये लोग इस्लाम ले आए तो बेशक हिदायत पालें, और अगर तुम्हारा कहा ना माने तो तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते और अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं, और जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये ऐसे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब यानी तौरात से हिस्सा दिया गया, और वो इस किताबुल्लाह यानी कुरान की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि ये उनके तनाजुआत का उनमें फैसला कर दे। तो एक फरीक उनमें से फिर जाता है और मुंह फेर लेता है, ये इसलिए कि ये इस बात के कायल हैं कि दोजख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी, और जो कुछ ये दीन के बारे में बोहतान बांधते रहे हैं उसने इनको धोखे में डाल रखा है। तो उस वक्त क्या हाल होगा जब हम इनको जमा करेंगे, यानी उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं, और हर नफ्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है, और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है, तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क बख्शता है। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाए, और जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का कुछ अहद नहीं। हां, अगर इस तरीक से तुम उनके शर से बचाव की सूरत पैदा करो तो मजायका नहीं, और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है, और अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि कोई बात तुम अपने दिलों में मख्फी रखो या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसको जानता है, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है उसको सबकी खबर है, और वह हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी को मौजूद पा लेगा और अपनी बुराई को भी देख लेगा तो आरजू करेगा कि ऐ काश उसमें और उस बुराई में दूर की मुसाफत हो जाती, और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है, और अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, बस अगर वो न माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता।
अल्लाह ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में से मुंतखब फरमाया था, उनमें से बाज बाज की औलाद थे, और अल्लाह सुनने वाला है जानने वाला है। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नजर करती हूँ, इसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला है जानने वाला है। फिर जब उनके यहां बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी कि परवरदिगार मेरे तो लड़की हुई है, जबकि अल्लाह खूब जानता था जो उनके यहां विलादत हुई थी, और न होता लड़का मानंद इस लड़की के। और कहने लगी मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। तो उसके परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया, और जकरिया को उसका कफील बनाया। जकरिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम ये खाना तुम्हारे पास कहां से आता है? वो बोली कि अल्लाह के यहां से आता है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार को पुकारा, अर्ज की कि परवरदिगार मुझे अपनी तरफ से औलाद सवाले अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने वाला है। चुनाचे वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकुकारों में होंगे। जकरिया ने कहा ऐ परवरदिगार मेरे यहां लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी बांझ है? फरमाया इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। जकरिया ने कहा कि परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फरमाया तुम्हारी निशानी यह है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात ना कर सकोगे, तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम उसकी तस्बीह करना। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम अल्लाह ने तुमको बरगुजीदा किया है और तुम्हें पाक बनाया है और दुनिया जहान की औरतों में से तुमको मुंतखब किया है, ऐ मरियम अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ऐ नबी ये बातें अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का कफील कौन बने तो तुम उनके पास नहीं थे और न उस वक्त ही उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक कलमे की बिशारत देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्ने मरियम होगा और जो दुनिया और आखिरत में आबरूमंद और मुकर्रबीन में से होगा और मां की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसा गुफ्तगू करेगा और नेकुकारों में होगा। मरियम ने कहा कि परवरदिगार मेरे यहां बच्चा क्यों कर होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक तो लगाया नहीं? फरमाया कि अल्लाह इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है, जब वो कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा तो वो हो जाता है, और वो उसे किताब हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता करेगा, और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूं फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा हो जाता है, और पैदाइशी अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूं, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूं, और जो कुछ तुम खाकर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो सब तुमको बता देता हूं। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है, और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूं, और मैं इसलिए भी आया हूं कि बास चीजें जो तुम पर हराम थीं उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं, और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने उनकी तरफ से इनकार और नाफरमानी ही देखी तो कहने लगे कि कोई है जो अल्लाह का तरफदार और मेरा मददगार हो? हवारी बोले कि हम अल्लाह के तरफदार और आपके मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम फरमाबरदार हैं। ऐ परवरदिगार जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम उस पर ईमान ले आए और तेरे पैगंबर के मुत्तबे हो चुके,
तू हमको मानने वालों में लिख रख, और वो यानी यहूद कत्ल ईसा के बारे में एक चाल चले, और अल्लाह ने भी ईसा को बचाने के लिए तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर कयामत तक फायक व गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते रहे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा। अब जो काफिर हुए उनको दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह पूरा पूरा सिला देगा, और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ए नबी, यह हम तुमको अल्लाह की आयतें और हिकमत भरी नसीहतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। ईसा का हाल अल्लाह के नजदीक आदम का सा है कि उसने पहले मिट्टी से उनको बनाया, फिर फरमाया कि बाशऊर इंसान हो जा, तो वो वैसे ही हो गए। ये बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है तो तुम हरगिज शक करने वालों में ना होना। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें उसके बाद कि तुमको हकीकत मालूम हो ही चुकी है, तो उनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और बेटियों को बुलाएं, तुम अपने बेटों और बेटियों को बुलाओ, और हम खुद भी आएं और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करें, इस तरह झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। ये तमाम बयानात सही हैं, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह गालिब है साहिब हिकमत है। बस अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को खूब जानता है। कह दो कि ऐ अहले किताब, जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा तस्लीम की गई है उसकी तरफ आओ, वो ये कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाएं, और हम में कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना कारसाज न समझे। फिर अगर ये लोग इस बात को न माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। ऐ अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी हैं और वो पहले हो चुके, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? देखो, ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं? और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और उसी के फरमाबरदार थे और मुशरिकों में न थे। इब्राहिम से ज्यादा कुर्ब रखने वाले तो वो लोग हैं जो उनकी पैरवी करते रहे, और ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, और वो लोग जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। ऐ अहले इस्लाम, बाज़े अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि किसी तरह तुमको गुमराह कर दें, हालांकि ये तुमको क्या गुमराह करेंगे, अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और नहीं जानते। ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों इनकार करते हो और तुम तौरात को मानते तो हो? ऐ अहले किताब, तुम सच को झूठ के साथ खल्त मल्त क्यों करते हो और हक को क्यों छुपाते हो जबकि तुम जानते भी हो? और अहले किताब का एक गिरोह अपने आदमियों से कहता है कि जो किताब मोमिनों पर नाजिल हुई है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आया करो और उसके आखिर में इनकार कर दिया करो, ताकि वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाएं, और अपने दीन के पैरों के सिवा किसी और की बात का यकीन न कर लेना। ऐ पैगंबर, कह दो कि हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। वो ये भी कहते हैं, ये भी ना मानना कि जो चीज तुमको मिली है वैसी किसी और को भी मिल सकती है, वरना वो तुम पर तुम्हारे रब के रूबरू हुज्जत कायम कर देंगे। ऐ पैगंबर, कह दो कि बुजुर्गी अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, इल्म वाला है, वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास दीनारों का ढेर अमानत रख दो तो तुमको फौरन वापस दे दे, और कोई इस तरह का है कि अगर उसके पास एक दीनार भी अमानत रखो तो जब तक उसके सर पर हर वक्त खड़े ना रहो तुम्हें दे ही नहीं। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमसे मुआखजा नहीं होगा। ये अल्लाह पर महज झूठ बोलते हैं और इस बात को जानते भी हैं। हां, क्यों नहीं, जो शख्स अपने इकरार को पूरा करे और परहेजगार बना रहे तो अल्लाह भी परहेजगारों को दोस्त रखता है।
जो लोग अल्लाह के इकरारों और अपनी कस्मों को बेच डालते हैं और उनके एवज थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं, उनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। उनसे अल्लाह न तो कलाम करेगा और न क़यामत के रोज उनकी तरफ देखेगा और न उनको पाक करेगा, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा।